हेलो गाइस, मैं प्रियंका, आपका मेरे किचन में स्वागत है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बैंगन की सब्जी बनाएंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छी सब्जी बनके तैयार होती है, स्वाद बहुत अच्छा लगता है। रोटी, चावल, पूरी, पराठे, किसी भी साथ आप खा सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हमने बैंगन की हम सब्जी बनाएंगे। ये एक बैंगन है, हमने इसकी सब्जी बनाना है। हमने और बैंगन लिया था लेकिन खराब निकल गया। हम एक ही का बना के आपको दिखाएंगे। आपको जितनी की जरूरत हो आप बैंगन की सब्जी बना सकते हैं, केवल बैंगन की। ये हमने तेल रखा हुआ चूल्हे पे, हमने इसमें नींद डाल दिया। इसमें हम जीरा डाल देते हैं। देखिए, हमने ये जीरा ले रखा है। आज हम बैंगन की सब्जी बना रहे हैं, बहुत अच्छी लगती है खाने में। केवल बैंगन की, बैंगन की कई तरह की हमने भज्जा भी डाल रखा है, बैंगन का आलू बैंगन डाल रखा है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। और देखिए, ये चटकना स्टार्ट हो गया है। इस समय हम इसमें प्याज डाल देते हैं। देखिए, इसमें हमने प्याज डाल दिया। देखिए, कलर चेंज हो गया। इसमें हम ये लहसुन और हरा मिर्ची काट के रखे, इसे डाल देते हैं। और साथ में हम बैंगन को भी डाल देते हैं। और इसे भी हम साथ में अच्छे से इसे भी भून लेना है। ऐसे ही पुलाव के लिए अच्छे से हमें भून के उसके बाद से मसाले वगैरह हम डालेंगे इसमें। देखिए, ऐसे ही अब इसे हम छोड़ देते हैं। चलिए, सब्जी में हम डाल देते हैं। ये हमने हल्दी पाउडर डाल दिया स्वाद अनुसार, नमक। अब इसमें जाएगा ये जीरा पाउडर, और ये रहा धनिया पाउडर। हमने मसाले डाल दिए। अब इसमें हम डालेंगे गरम मसाला। देखिए, ये हमने गरम मसाला डाल दिया। अब मसालों को हमें भून लेना है, अच्छे से भून जाएगा। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज्यादा पानी नहीं डालेंगे। देखिए, इसे हमें अच्छे से मसालों को भून लेना है। पहले ऐसे ही चलाते हुए हमें थोड़ा पॉइंट बढ़ा देते हैं कि अच्छा मसाले भून जाए जो हमने डाले हैं। देखिए, ऐसे ही मसालों को हमें अच्छे से भून लेना है। आपको जरूरत हो तो इसमें आलू भी डाल सकते हैं, लेकिन हम केवल बैंगन की सब्जी बना रहे हैं। देखिए, मसाले हमारे भून चुके हैं, मसालों को भून लिया। अब इसमें जाएगा थोड़ा सा पानी डालेंगे इसको पकाने के लिए। देखिए, अच्छे से इसे हमें ऐसे ही चलाते हुए भून के तैयार कर लेना है। देखिए, मसाले भून चुके हैं, अब इसमें जाएगा थोड़ा सा पानी। देखिए, इसमें हम पानी डाल देते हैं। हमने आधा गिलास पानी डाला। अब इतने में अच्छे से बैंगन जो है वो पक जाएंगे। अब इसे हम चला के अच्छे से अब ढक दे रहे हैं। देखिए, चलिए चेक कर लेते हैं सब्जी को। देखिए कैसे सब्जी में उबाल आने लगा है। आप इसमें दही भी डाल सकते हैं, आप टमाटर का पेस्ट, टमाटर खड़ा जो भी काट के आप इसमें डाल सकते हैं। चलिए फिर से सब्जी को चेक कर लेते हैं। देखिए, सब्जी तैयार हो गई है। एक लोगों के लिए सब्जी बनके तैयार हो गई। अब इसमें हम हरा धनिया डाल देते हैं। देखिए, सब्जी बहुत ही अच्छी लगती है। हमने भज्जा भी बना के डाला है, ये बहुत ही अच्छा लगता है। रोटी, चावल आप किसी भी साथ खा सकते हैं, पूरी, पराठे के साथ भी। ये इसमें हरा धनिया डाल देते हैं। देखिए, हमने ये हरा धनिया डाल दिया। अब इसे अच्छे से गले मिला देते हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है धनिया डालने में। जो भी सीजन है मिल गया, इसके हरा धनिया जरूर डाले। आपको कस्तूरी मेथी भी डाल सकते हैं। आप इसमें ग्रेवी ज्यादा आपको चाहिए, गाढ़ा करना है तो दही, बेसन जो भी चीजें मतलब डाल सकते हैं, बना लो। हमें ज्यादा ग्रेवी की जरूरत नहीं है, इसलिए हमने ऐसे ही से बनाया। देखिए, बैंगन की सब्जी हमारी तैयार हो गई है। अब इसे 2 मिनट और ढक देते हैं। चलिए फिर से इसे हम चेक कर लेते हैं। देखिए, अब इसे बैंगन को हम चेक कर लेते हैं। देखिए, ये हो चुका है, सब्जी हमारी बनके हो गई है तैयार, बैंगन की। अगर आपको रेसिपी समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।